70 का दशक बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाके में एक गांव दुनिया को डराने वाला अंधेरा भी वहां के लोगों को देखकर डरता है। धड़ धड़ भागने वाली रेलगाड़ी उस इलाके के नजदीक पहुंचती थर थर कांपने लगती है। उस गांव के मील पत्थर को देखते ही कदम लड़खड़ाने लगते हैं। दक्षिण भारत की गुनाहों की राजधानी द क्राइम कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया स्टुअर्टपुरम। इस इलाके का एक नाम और भी है टाइगर जोन। चार बादशाह होते हैं, इस गेम का एक ही बादशाह है। साउथ के कहे जाने वाले मेगा स्टार रवि तेजा की बहुत ही जल्द एक और जबरदस्त फिल्म आने वाली है। इस फिल्म का नाम होने वाला है टाइगर नागेश्वर राव। वैसे तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट काफी पहले ही कर दी गई थी, लेकिन अभी भी इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में इस फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट कर दी जाएगी। इसके बाद ये फिल्म हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। सुनने को मिल रहा है ये फिल्म साउथ की रियल स्टोरी बेस पे होने वाली है। इसमें हमें टाइगर नागेश्वर राव की स्टोरी के बारे में बताया जाने वाला है। इसी में हमें साउथ के साथ साथ बॉलीवुड के भी एक्टर देखने को मिलने वाले हैं। रवि तेजा की इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। फिल्म में हमें लीड रोल में रवि तेजा देखने को मिलने वाले हैं और साथ में बॉलीवुड के सुपरस्टार अनुपम खेर भी देखने को मिलेंगे। बात करें हीरोइन की तो फिल्म में साउथ की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस नुपुर सनन देखने को मिलने वाली है। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो ये फिल्म साउथ के जाने माने डायरेक्टरों में से एक वेमश्री के डायरेक्शन में बनाई जाएगी। सभी लोग रवि तेजा की टाइगर नागेश्वर राव की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस फिल्म के मेकर्स की ओर से रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। आने वाले कुछ ही दिनों में हमें इस फिल्म का ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद साफ हो जाएगा कि फिल्म में रवि तेजा का क्या लुक्स है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट 20 अक्टूबर 2023 फाइनल की है। अगर फिल्म की शूटिंग टाइम पे कम्प्लीट कर दी गई तो फिल्म हमें इसी दिन देखने को मिल जाएगी, नहीं तो मेकर्स की तरफ से फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन भी किया जा सकता है। इसी फिल्म के रिलीज डेट के साथ साथ साउथ की एक और बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है सुपरस्टार विजय की लियो। हमें इन दोनों फिल्म का क्रैश देखने को मिल जाएगा। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि टाइगर नागेश्वर राव कब तक देखने को मिल जाएगी। और इसी समय बॉलीवुड की एक और बड़ी मूवी गणपत रिलीज होने वाली है जिसमें लीड रोल में टाइगर श्रॉफ देखने को मिलेंगे। तीनों ही काफी बड़ी फिल्में हैं और तीनों में ही क्रैश देखने को मिलने वाला है। आने वाला समय काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखना तो ये होगा कि इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने वाली है। आपको तो बता दे फिल्म में टाइगर नागेश्वर राव का बजट 50 करोड़ है और इसी को पैन इंडिया रिलीज किया जाने वाला है। अब देखना तो ये होगा कि रवि तेजा को नॉर्थ इंडिया में कितना प्यार मिलने वाला है। टाइगर नागेश्वर राव एक रियल स्टोरी बेस पे है। इसमें हमें एक बड़ी गैंग के बारे में बताया जाएगा जो पूरे शहर में चोरियां करती हैं। उस टाइम इस गैंग से बड़ा कोई चोर नहीं था। और ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।